किस्सा कुर्सी का लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं और इस चरण में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं तो कांग्रेस की 68 उम्मीदवार दाव आजमा रहे हैं। बीएसपी के 79 और समाजवादी पार्टी के 9 उम्मीदवार मैदान में। उधर शरद पवार की एनसीपी के 4 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे ही एनडीए खेमे से अजीत पवार की पार्टी के 3 प्रत्याशी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2 प्रत्याशियों का इम्तिहान होना है। ये चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला माना जा रहा है क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने एक छत्र राज कायम किया था, फिर चाहे 2014 का चुनाव हो या फिर 19 का। लिहाजा कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इस फेज की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं तो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी है। ऐसे में देखना है कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी तो किसके लिए एक टेंशन का सबब बनेगा। तो 93 सीटों पर प्यार, बुजुर्ग महिला ने बांधी पीएम मोदी को राखी, कई बच्चों को पीएम मोदी ने दिए ऑटोग्राफ। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व जारी है। इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जनता अपनी भागीदारी निभा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है और आज तीसरे चरण में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। तीसरे चरण की खास बात ये है कि इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट कास्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए 6 मई की रात को ही गुजरात पहुंच गए थे, जहां उन्होंने राजभवन में रात्रि विश्राम किया। मतदान से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से बड़ी तादाद में मतदान की अपील की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। पीएम मोदी गांधीनगर में राजभवन से सुबह सुबह वोट डालने के लिए निकले और करीब सुबह 7:30 बजे मतदान केंद्र पहुंच गए। दरअसल पीएम मोदी का मतदान केंद्र गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान काफी तादाद में लोग भी पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अहमदाबाद में वोट डालने और मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने इंक फिंगर दिखाकर लोगों से वोटिंग की अपील की। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने समर्थकों का अभिवादन किया और लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए लंबी लाइनें देखने को मिली। इस बीच पीएम मोदी का बच्चों के प्रति प्यार एक बार फिर से जगजाहिर हुआ, जहां लोगों से मिलते हुए पीएम मोदी ने एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिया और उसे प्यार दुलार किया। पीएम मोदी के लिए लोगों की दीवानगी इस कदर थी कि वो पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद कई बच्चों की हथेली पर ऑटोग्राफ दिया तो कई बच्चों के हाथ पर नरेंद्र भी लिखा। वहीं इस मौके पर एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी के हाथ पर राखी बांधी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता का प्यार ही है जो एक बार फिर से अहमदाबाद में देखने को मिला। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जहां पीएम मोदी के लिए जनता की दीवानगी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।